हाय गाइस, सबका अटोल अंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दो बड़ी मूवी फ्राइडे के दिन रिलीज हुई और लगातार जो है कलेक्शन धड़ाधड़ तूफान सुनामी की तरह कर रही है। और दोस्तों, क्रेजी हम जब बनता है जब कोई बड़ी खबर रहती है, और ये बड़ी खबर इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। बॉलीवुड में खलबली मच चुकी है और ये खलबली के साथ टक्कर ले रहे हैं सन्नी पाजी और अक्षय पाजी। तो चलिए, क्रेजी हमें हमारे एक्सपर्ट आ चुके हैं, बुला रहा हूँ सूर्या सर। नितिन तो आ चुके हैं, देख सकते हैं हमारे जो है सूर्या सर और नितिन। आप लोग का ऑटो वाले अंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। सर कैसे हैं आप लोग? बस ठीक-ठाक एकदम। तो देख सकते हैं कितना फुल एक्साइटेडमेंट है सर। दूसरे दिन का कलेक्शन आ चुका है गदर का और ओ माय गॉड टू का, क्या बोलेंगे सर आप? दोनों पिक्चर चल रही है, दोनों पिक्चर हाउसफुल हो रही है, और क्या चाहिए लाइफ में। ये तो चाहते थे कि बॉलीवुड वापस है, बॉलीवुड वापस आ चुका है। अच्छा, हाँ, जी जी हाँ। तो क्या लग रहा है, सन्नी पाजी इतनी तेजी से चल रहे हैं, अक्षय क्या मतलब वो भी, उनकी भी मूवी जबरदस्त चल रही है, कुछ बोलिए सर। अच्छी बात है, मैं तो वापस से कहूँगा कि बॉलीवुड बैक हो चुका है। सन्नी पाजी ने जहाँ 80-83 करोड़ कमाई की है, वहीं ओ माय गॉड टू ने 25 करोड़ के ऊपर की है। दोनों ही फिल्में चल रही है अपने अपने लेवल पर, जो अच्छी बात है। अगर अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार अगर सोलो रिलीज होते थे तो कुछ नज़ारा और रहता था सर? देखो, दोनों ही फिल्मों को वैसे साथ में क्लैश होना नहीं चाहिए था, मैं पहले से ये बोल रहा था, लेकिन आ ही गए हैं तो भाई कोई बात नहीं है। क्लैश कुमार है तो क्लैश तो करेंगे ही। हाँ, वो भी बात है। ठीक है ठीक है, मतलब और ठीक है। और सन्नी पाजी जो है ये एक इतनी बड़ी मूवी बन के उभर रहे हैं, जो कि पठान के बाद जो है ज़बरदस्त कलेक्शन कर रहे हैं। दूसरा दिन हो गया और 40 के बाद 43 करोड़। अब जो है आज है संडे, और संडे को जो है बहुत बड़ा धमाल हो सकता है, कितना जा सकता है सर? और आज 50 करोड़ लोग कह रहे हैं, देखते क्या होता है। मतलब ये है कि 3 दिन में ये जो है पूरी 100 करोड़ पार कर लेगी, मतलब ये है कि पूरा का पूरा सुनामी आ चुका है। 130 करोड़ के आसपास, उसके ऊपर ही 30 करोड़। अच्छा अच्छा, तो और क्या कहेंगे सर कलेक्शन के बारे में? दूसरा है ओ माय गॉड टू भी अच्छा कलेक्शन करी, 4 दिन में वो भी 50 करोड़ पार कर लेगी। वो भी अच्छा, 100 करोड़ कब होगा सर? वो हो जाएगा सेकेंड वीकेंड तक हो जाएगा, यानी कि 9 से 10 दिन में। अच्छा, 9 से 10 दिन में। अच्छा, 200 करोड़ का आशा है सर? अभी आशा नहीं है क्योंकि क्लैश हुआ है, सीसी बात आपको ही पता है। हाँ। कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, देखते अच्छा, क्या होता है। 200 करोड़ नहीं भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 150 करोड़ बहुत है। पहली बार है अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार की मूवी जो है जो निकल रहा है, वो जो है मुंह तान करके, सीना तान करके और अच्छी बोलते हुए निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, इसी पॉजिटिव चीज़ की तो ज़रूरत थी अक्षय कुमार को, और ये पॉजिटिव चीज़ ये फिल्म दे रही है, बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करता हूँ कि फिल्म चले और अच्छा खासा कलेक्शन करे। हाँ, खिलाड़ी कुमार के फ्रेंड्स जी, हाँ, क्या आप क्या कहेंगे? आप तो खुश हो ना, 10 करोड़ के बाद डायरेक्ट 15 करोड़ दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? खुश तो हुई, खुश हो? हाँ, खुश तो हुई, लेकिन इसलिए खुश नहीं होगा, इसका एक तो सर्टिफिकेट पे एंड एक स्क्रीन पे, ये दो पे मैं खुश हूं। कलेक्शन से खुशी है तो क्लेशन पे खुशी है, आज भी जो है बढ़ के आएगी, क्योंकि हर जगह पे आज संडे तो आज और आएगा। हाँ, ये मैं और खुश हूँ। अच्छा। ये गदर को टफ कंपटीशन दे रही है। हाँ। तो मतलब आप पूरा ये है आप सर पूरा? तो मैं क्या कहूँ, नहीं क्या कहना क्या है, देखिए देख सकते हैं ये। आपको तो मालूम है, खुद उसे वो अक्षय कुमार ने बोला कि रख विश्वास, तू है शिव का दास, विश्वास रखो बस, बाकी सब कुछ हो जाएगा। बोल दिया जो बोलना था, बॉलीवुड वापस सर 300 करोड़ का क्या बोल सकते हैं, ये दोनों में किसको क्या बोल, कौन पहले पूरी करे? गदर टू गदर रिजल्ट से बात जा सकती है आराम से, 300 करोड़ जा सकती है। क्यों, मेरा सपना पूरा नहीं होगा अक्षय का? अक्षय का आपका सपना है बहुत बड़ा, आपने देख के रखा है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं केक कब काटूंगा सर? आप नहीं काट पाओगे क्योंकि क्यों 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 आपने बहुत बड़ा सपना अभी देखा है। कोविड के पहले सूर्यवंशी 300 करोड़ कर लेते, लेकिन कोविड की वजह से नहीं कर पाई। अच्छा, बड़ी में छोटी में आएगी ना, तब आपका सपना पूरा हो जाएगा मुझे लगेगा। तो गाइड्स आप देख सकते हैं हमारे एक्सपर्ट का कहना है, एकदम उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया है। और यहाँ पे जो है कलेक्शन में जो तूफान आया है दोस्तों, अब जो है हम जो है अगले जो है 2-3 दिन के बाद मिलेंगे आपको क्रेजी हम में देने के लिए। और दोस्तों, और कुछ अगर है बोलना है सूर्या सर तो बोल सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि मुझे बहुत खुशी है अंदर से कि दोनों ही फिल्में चल रही है, हर एक फिल्में चल रही है, थिएटर वाले खुश हैं, मालिक खुश है, हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स खुश है, पब्लिक आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, सभी खुश है, और क्या चाहिए। सिनेमा जो होता है इन्जॉय करने के लिए, दोनों ही फिल्म अच्छी आ रही है, इन्जॉय करें। और बॉलीवुड ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और अब वो सुधर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है।
तो गाइड देख सकते हैं दो मूवी जो है सुनामी लाई है और ये सुनामी में अच्छे अच्छे लोग बह चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, मैं ये चाहूँगा बॉलीवुड क्रेजी और आर्ट वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।